and welcome Tiger Shroff! Who's your favorite character? I like Gojo very much. I like Gojo. I have a surprise for you guys. Guess कीजिए हमारे साथ कौन है? चलो दिखाऊं. ये देखो मुझे क्या मिला. Satoru Gojo. मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज. मेरी गाड़ी नहीं मिल रही भाई. गाड़ी मारुति. हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून. तो भाई आज एक बहुत ही कमाल का इवेंट मैं अटेंड करने वाला हूँ और वो इवेंट है क्रंची रोल का. सो हम लोगों को भी उसमें बुलाया है कुछ आर्टिस्ट को. फिलहाल मैं अभी एक स्टूडियो जा रहा हूँ, वहाँ पे करेक्शन करूंगा और एक ऑडिशन दूंगा और उसके बाद सीधा जाऊंगा दूसरे स्टूडियो, वहाँ रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा और डायरेक्टली वहीं से हम लोग निकल जाएंगे उस इवेंट के लिए. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं. भाई यार लेट हो गया यार, मैं हमेशा लेट होता हूँ. पता है घर पे बैठा रहता हूँ तो पता नहीं चलता टाइम का. मुझे लगता है कि हाँ चले जाएंगे, निकल लेंगे, लेकिन नहाने में मुझे आधा घंटा लग जाता है. पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन मेरे को नहाने में बहुत टाइम लगता है. लग गया यार टाइम, क्या करें. समझ नहीं आ रहा, सड़क पे खड्डे बने हैं या खड्डों पे थोड़ी थोड़ी सड़क बना दी इन लोगों ने. A few moments later. भाई साहब मैं तो करेक्शन और ऑडिशन करके निकल गया, लेकिन यार बहुत लेट हो गया था. मैं इसलिए ना गाड़ी लेके नहीं निकलता, पता है क्यों? क्योंकि ना पहली बात तो कार में ट्रैफिक में वैसे ही बारिश के टाइम पे बहुत टाइम लग जाता है, और उसके अलावा पार्किंग ढूंढने में भाई उससे भी ज्यादा टाइम लगता है. अभी मुझे वहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी, 20 मिनट पार्किंग ढूंढने में लग गए. तो इसलिए यार ठीक रहता कि आप रिक्शा में आ जाओ. मान लो जहाँ पे आपको लगे ज्यादा जाम है तो वहीं रिक्शा से उतर जाओ और पैदल निकल लो आगे, और फिर जहाँ पे जाम कम लगे वहाँ दूसरा रिक्शा पकड़ के फिर निकल लो. तो वो टेंशन नहीं है यार. तो गाड़ी लेके निकलने में यही नुकसान है. एनीवे अब मैं नेक्स्ट स्टूडियो जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके और एक रिकॉर्डिंग है वो खत्म करके सीधा हम निकलेंगे BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा वो एप्पल का जो बड़ा वाला शोरूम बना है जियो मॉल में, तो वहीं वो इवेंट है. तो होपफुली वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड हो तब तो भाई ये व्लॉग आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये व्लॉग में डालने का कोई फायदा नहीं. याद है मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाऊंगा, तो यार ये जो मैं कर रहा हूँ इसको आप समझ भी सकते हैं वैसे तो व्लॉग, लेकिन मेरे हिसाब से ना मैं अपना डेली लाइफ का रूटीन ना बता के आपको वो सब बता रहा हूँ कि डबिंग इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, हम लोग कैसे काम करते हैं, आना जाना कैसे होता है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सब चीजें इन्फॉर्म करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ. क्योंकि यार घर पे जो मैं वीडियोस बनाता था डबिंग के और वो सब, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे यार अभी. मतलब उसके में एक तो इतना टाइम लग रहा है कि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे. तो मैंने सोचा सबसे ईजी ये है कि आराम से आप जहां भी जाओ रास्ते में वीडियो बना लो, वहां पहुंच के वीडियो बना लो. आप सब तो घर के हो यार, आपको तो पूरी बात ढंग से बता सकता हूं मैं. सो अगर जैसे आप लोगों में से कोई यहां आना चाहे तो मैं उसको भी गाइड कर सकता हूं मेरे वीडियोस के थ्रू. तो मेरा प्लान यही है. अब जैसे मैं चेन्नई गया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे गया, मैंने वहां पे कैसे काम किया. स्टूडियो के अंदर का मैं नहीं बता पाया क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं हर जगह की अलग अलग, तो ना हमें उनको फॉलो करके चलना पड़ता है. होता ये कि अगर ज्यादा अंदर की चीजें बाहर आउट करते हैं तो आर्टिस्ट के करियर पे भी खतरा हो सकता है और स्टूडियो वालों को भी रिस्क रहता है क्लाइंट से. तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें भी होता है कि भाई आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, ये सब चीजें होती है. तो हमें उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है यार, इसलिए हर जगह का अलग होता है मामला, तो वो हम नहीं बता सकते. लेकिन उसके अलावा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता रहता हूँ कि बेसिकली जो काम करने का तरीका है वो कैसा है यहाँ पे, ताकि अगर कोई आना चाहे तो उसे कोई. क्या हूँ MIDC और थैंकफुली यहाँ मैं टाइम पे पहुंच गया. आज बारिश तो है लेकिन ट्रैफिक उतना नहीं है, इस तरफ नहीं है. तो दोस्तों हम लोग अब निकल रहे हैं इवेंट के लिए और मेरे साथ है विदित भाई, इसको Hello. भी आप जान जाओगे बड़ा जल्दी, अभिषेक Hello. भाई और कृष्णा जी. Hi. ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये इंजीनियर हैं और ये भी आर्टिस्ट है. अभी इसकी हाइप बन रही है बेटे की, तो धीरे धीरे आप सबको पता चल जाएगा 28 तारीख को. हम लोग
लोग पहुंच गए हैं, पार्किंग में है, अभी बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है, एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं, ये रही एंट्रेंस। आप सोच रहे हो कि हम मॉल में क्या कर रहे हैं, तो यहीं पे वो इवेंट, इसलिए हम यहाँ पे हैं। शॉपिंग वॉपिंग करने का इरादा नहीं है, वैसे भी यहाँ दुकानें बहुत महंगी है। ये जियो मॉल का वॉशरूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी सुसु करेगा तो सबसे बेस्ट आपका फोटो और ऐसे लगेगा कि गंदा करने का। तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं यार, अब देखते हैं कि होपफुली हमें अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउंस मिल जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद नहीं है। लेकिन अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो ये व्लॉग नहीं आएगा। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं इसका मतलब आगे वीडियो है। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, तो गेस कीजिए हमारे साथ कौन है, शक्ल दिखाऊं? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो हम सबको आपने कुछ दिन पहले देख ही लिया, यूजी से तो बात, यूजी तो साथ में आया, बात करता हूँ, हम एक ही गाड़ी में आए हैं। तो सारे हमारे टॉप क्लास आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी मुझे उम्मीद भी थी, और हम सब ने जुजुत्सु काइसन में डब किया है। आप लोगों ने पोस्ट देख लिया इसलिए मैं रिवील कर ही देता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है इवेंट में, होपफुली हमें अंदर वीडियो बनाने का मौका मिल जाएगा। और ये बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ही जुजुत्सु काइसन डब करवाई। तो दोस्तों एंट्री हमारी हो गई है, और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जुजुत्सु काइसन का प्रीमियर भी होने वाला है हिंदी में। थैंक यू। So guys, हम लोग अंदर आ गए हैं, प्रीमियर के लिए अंदर आ गए हैं, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और यहाँ होगा प्रीमियर। What's up my friend? बहुत मजा आने वाला है। जुनपे गोजो खुशी गुरु सातोमुरा ये हमारे डायरेक्टर साहब, इनको कोई मतलब नहीं है वीडियो से, ये अपने काम में बिजी रहते हैं। मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज मिली है भाई, दिखाऊं? ये देखो मुझे क्या मिला। My favorite thing is to be to sit down, sit back and enjoy a great anime with fans in a theater. His dance moves are mesmerizing, and he, even before he became a really big movie star, he was a very, very big fan of anime culture. I want you guys, with bated breath, to put your hands together, make some noise, and welcome Tiger Shroff! I think I'm as big a fan of anime as any of you right now. I'm very, very excited to see this Jujutsu Kaisen screening. Who's your favorite character? I like Gojo very much. I like Gojo. Hope you guys enjoy the show, and looking forward to watching it with you all. Give it up for Rashmika! दोस्तों टाइगर श्रॉफ और रश्मिका मंदाना का इंटरव्यू हो चुका है, और अब स्क्रीनिंग होगी जुजुत्सु काइसन की, जिसमें मैंने वॉइस दी है गोजो सातोरी को। स्क्रीनिंग शुरू होने वाली है, हो गई, लेट्स होप सब ठीक रहे। तो बताओ मुझे, इस वक्त तुम कौन हो? आप तो सातोरु गोजो, मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। जी हाँ, वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। सलमान भाई यहाँ देखो ना। तो गाइस स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है, इट वाज फन। लाइट नहीं है यहाँ पे, है मतलब, लेकिन बहुत डिम है। सबको हिंदी डब बहुत पसंद आया, और मस्त, थैंक यू भाई।
सबको हिंदी डब बहुत होना। हाय हाय, थैंक यू सो मच ब्रो, हाय थैंक यू। सो दो एपिसोड की स्क्रीनिंग हुई अभी हिंदी में, बाकी सब आप देखेंगे 28 तारीख। तो गाइस हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं। हाउ डू यू लाइक इट ब्रो? लव्ड इट, वेरी लव्ड इट। मजा आया? यू किल्ड इट। कैसा लगा? बहुत अच्छा था, अमेजिंग। आपको कैसा लगा? अरे रॉकिंग एंड लिटरली शॉकिंग, मजा आ गया यार। इवेंट बहुत ही कमाल का रहा और अनएक्सपेक्टेडली सबको हिंदी डब बहुत पसंद आया। और हमने जो ट्रू एनिमे फैंस हैं उनसे भी बात की और हमने कहा कि हम जब सीजन 2 डब करें तो कुछ ऐसा है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबने बोला नहीं भाई बेस्ट था, जो आपने किया वो बेस्ट है। तो ये सुन के दिल को बहुत राहत मिली है और मजा आ गया यार सीरियसली। अभी कुछ छोटे मोटे इंटरव्यूज हमारे यहाँ चल रहे हैं, वो करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। मेरी गाड़ी नहीं मिल रही भाई, A23 पे हमने खड़ा किया था गाड़ी को और वहाँ पे A19 के बाद सीधा A24 और A25 है। गाड़ी मारुति मिल गई भाई, मिल गई। हम लोग है ना बेसमेंट 2 में ढूंढ रहे थे कब से, गाड़ी बेसमेंट 1 में। क्या यार, क्या चमक रहा है भाई। So, सब हो गया मजे से, आराम से, बहुत मजा आया यार इवेंट में। थैंकफुली परमिशन भी मिल गई अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने की, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब फिलहाल मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ बस 2 मिनट में। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय।